दुनिया में चाहे जितनी भी बड़ी लड़ाइयां हुई हो, लेकिन उस सब लड़ाई से बड़ी लड़ाई आम इंसान अपनी जिंदगी में हर रोज घर परिवार के बीच रहकर लड़ता है। और जब वो ये लड़ाइयां लड़ रहा होता है, तब उसके मन की स्थिति क्या होती है, उसको मैंने कहानी के माध्यम से बयां किया है। यदि आपके दिल के तार को टच करें ना, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना और उन तमाम लोगों के साथ साझा करना जो इस स्थिति से गुजर रहे हो। तो जो एक युवा है, जो 30 साल का युवा है, उसका मन करता है कि जी भर कर रोया जाए, क्योंकि इंसान कभी रो नहीं पाता जिंदगी के अंदर। बहुत सारी जगहों पर रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता, तो मन करता है कि जी भर कर रोया जाए ताकि सब कुछ बहुत हल्का हो जाए। रोने के बाद इंसान बहुत हल्का हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिस पर रोना आ जाए। जब वो रोना चाहता है तो ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिस पर रोना आ जाए, लेकिन फिर भी ऐसी कई बातें हैं जिन्हें याद करें तो मन भर आता है। फिर भी ऐसी कई बातें जिन्हें याद करें तो मन भर आता है। और समझ नहीं आता कैसा है ये जीवन और क्यों है ये जीवन और किस विधि से इसे जिया जाए। एक जो युवा है 30 साल का, वो इस कंफ्यूजन में रहता है कि समझ नहीं आता कि कैसा है ये जीवन और क्यों है ये जीवन और इसे किस विधि से जिया जाए। 30 साल की उम्र के बाद घर परिवार, 30 साल की उम्र के बाद जिंदगी घर परिवार में सिमट जाती है और फिर सारी ख्वाहिशें यही मिट जाती है। तब मन करता है कि जी भर कर रोया जाए, क्योंकि क्योंकि कोई मुझसे नाराज है और मैं किसी से नाराज हूं। सब यही इसी कश्मकश में है और सब घर परिवार में इसी कश्मकश में है कि कोई ना कोई किसी ना किसी से नाराज है। तब उसका मन करता है कि अब सब बंधन छोड़े जाएं, तब उसका मन करता है कि अब सब बंधन छोड़े जाएं और एक बंधन, एक रिश्ता खुद के साथ भी जोड़ा जाए। क्योंकि उसकी जो स्थिति होती है मन की, कि क्या कहें क्या कहें और किसे कहें, डर है कि कहीं कोई मेरे नाम से ना रो दे। क्या कहें और किसे कहें, डर है कि कहीं कोई मेरे नाम से ना रो दे। तब उसका मन करता है कि जी भर कर रोया जाए ताकि जीवन को फिर से शुरू किया जाए। दोस्तों, इंसान के मन जब भर आता है और जब वो रोता है ना, तब वो पूरी तरीके से अंदर खाली हो जाता है, अदरवाइज वो भरा रहता है पूरी तरीके से, यहाँ बोझ बनकर उसके दिल में चलता रहता है। और जब वो एक बार इस स्थिति से गुजर जाता है और जब वो हल्का हो जाता है, तो जीवन को फिर से शुरू करने का एक मौका होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी ने, इस छोटे से प्रसंग ने आपके जीवन को जरूर टच किया होगा। और यदि आपके जीवन को टच किया है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए और सतीश सोनी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।